This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. हमारी वजह से अपमान नहीं होना चाहिए। बाहर तेरी माँ का बनाया हुआ कुछ खाना रखा है, उसे अंदर रख दे बेटे। और हाँ, तेरे ये माँ बाप अगर मर गए तो एक बार देख कर चले जाना। अपने माता पिता का आदर करना, तो ये ममता और प्यार देखकर आप सोच कर देखें, आपकी माँ की ममता, उनके बलिदान को देखकर उनका आदर कैसे करें? उनसे प्रेम रखते हैं क्या? उन्हें आपने खुश रखा हुआ है? उनके मन को ठेस पहुंचे वैसी कोई बात की हो या कोई काम किया हो? जरा सोच कर देखें। हाँ सर, श्योर सर, या ओके सर। हे रम्या, सब तैयार हो गया ना? खास करके चिकन कबाब टेस्ट किया ना, MD को बहुत अच्छे लगते हैं। यूट्यूब में देख के बनाया, बहुत ही टेस्टी है। यार मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। आई थिंक इट्स कम, चलो मेक इट फास्ट। क्यों बेटे, कैसा है तू? ये क्या बेटा, इतना कमजोर हो गया है? ये क्या पिताजी, बिना बताए आ गए? मैं तो मना कर रहा था, पर ये है कि मानी ही नहीं। तुझे सरप्राइज हुआ ना? सरप्राइज नहीं, पगला गया हूँ। अच्छा अंदर तो रुको, 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 रुको ना माँ, मेरी बात तो सुनो माँ, जरा यहीं रुको ना। आओ माँ, तुम कैसी हो? पापा जी आइए ना। बोल रही है? कैसी है? अंदर जा, अंदर जा, अंदर जा पहले। अरे क्या हो गया? चलो मेरे साथ चलो, मैंने कहा ना मैं अभी आता हूँ। माँ चलो ना। बेटे हमें कहाँ ले जा रहा है? पहले चलो ना, मेरी बात सुनो पिताजी। हाँ? घर में सफाई का काम हो रहा, धूल है, 1-1.5 घंटे तक अंदर मत आना, क्योंकि पहले से ही तुम्हें डस्ट एलर्जी है, इसलिए तुम लोग यहीं रहना, मेरे बुलाने तक मत आना, ठीक है? ठीक है बेटे, हम यहीं रहेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, साइड में खड़े हो जाओ। हाँ वहीं पे, बेटा हमसे कितना प्यार करता है ना। सही कहा। हाय। हेलो सर। सो हाय मिस्टर जेसन, हाउ आर यू? या गुड सर, हाउ अबाउट यू सर? क्या बात है, क्या हुआ, इतने नर्वस क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, बस आपको देखकर ही। लेट्स गो। ओके कम कम इस तरफ सर, आई प्लीज सर। बेटे हम लोग यहीं पर रहेंगे। हु इज दिस? दिस इज सर्वेंट सर, वीकेंड की सफाई करनी है ना सर। ओके ओके, या कहीं मत जाना, वहीं रहना, वहीं रहना, ठीक है? अरे ये कौन है? वो घर साफ करने के लिए आया है, सवाल मत कर बैठ जा। ठीक है, बाप रे। ऑसम, थोड़ा सा और। नो, एक्सीलेंट। किसने बनाया? सर रम्या ने बनाया, बहुत अच्छा बनाती है। ओह रियली, वेरी टेस्टी, यू आर अ वेरी लकी मैन यार। थैंक यू सर। ऐसा लग रहा है जैसे माँ का बनाया खाना खा रहा हूँ। अभी भी जब घर जाता हूँ तो माँ के हाथों से ही खाता हूँ। ये क्या, घर की सफाई करने के लिए आया, बैठ के खा रहा है? समझ में नहीं आ रहा, रुक देखते हैं। बाय द वे, तुम्हारे माँ बाप? वो तो विदेश गए हुए हैं, अक्सर जाते रहते हैं। ओ आज सुबह ही दुबई के लिए निकले। ओ लकी, मैंने ही भेजा। ओ यानी वर्ल्ड टूर पे गए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तो वाकई बहुत किस्मत वाले हैं। सही कहा सर। चल रही वापस चलते हैं। लो, वेरी गुड, वेरी नाइस, थैंक यू मिस्टर जय। इट्स माय प्लेजर सर। थैंक यू फॉर योर फूड, एंड यू हैव अ ब्लेस्ड वाइफ, एंड आल्सो यू हैव अ टैलेंटेड हस्बैंड टू। थैंक यू सर। ओके देन, मैं चलता हूँ। आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग एंड वी विल मीट इन द ऑफिस। ओके, बट एक बात बताना भूल गया, अगले हफ्ते हमारे ऑफिस में अपने बेस्ट स्टाफ जो है उन्हें ऑनर करके उन्हें गिफ्ट और मेमेंटो देना चाहता हूँ। ओके, और उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। तो याद से तुम
और तुम्हारी वाइफ वहाँ पर पहुँच रहे हो एंड कम एंड गेट योर अवार्ड्स ओके श्योर सर या थैंक यू ओके बाय बाय ऑल द बेस्ट ओके सर I'll make a move. Yeah. Thanks for the lunch also. Don't miss the ceremony. Yes, See you sir. Next week. Sure. Okay? Thank Bye. You. God Bye, bless sir. You. बाप रे एमडी तो बहुत खुश हुए होंगे ना अरे बाप रे ये क्या माँ और पापा जी कहाँ हैं ओह शिट कहाँ गए होंगे सामान तो यही है आखिर कहाँ चले गए तेरा बेटा ही है आप ही बात कीजिए क्या बात करूं हेलो हाँ पिताजी कहाँ चले गए हम गांव वापस जा रहे हैं बेटे क्यों पिताजी जोरों की प्यास लगी थी पीने के लिए किचन के पास आए लेकिन तुमने कहा कि हम लोग तो दुबई गए हुए हैं हम अंदर आ जाते तो तेरा अपमान हो जाता हमारी वजह से अपमान नहीं होना चाहिए बाहर तेरी माँ का बनाया हुआ कुछ खाना रखा है उसे अंदर रख दे बेटे और हाँ तेरे ये माँ बाप अगर मर गए तो एक बार देख कर चले जाना शिट इन्हें कितना भी समझाओ समझते नहीं है गांव के लोग ऐसे ही होते हैं क्यों क्या हुआ नथिंग कम ऑन यहाँ पे आने वाले सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं अब हमारे चेयरमैन दो शब्द बोलकर हमारा हौसला अफजाई करके इनाम वगैरह देंगे लेट्स गिव अ बिग अप्लॉज टू द चेयरमैन वेलकम टू ऑल ये गॉड फर्स्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी आज जो इस बुलंदियों पर पहुंची है उसका कारण आप सबकी कड़ी मेहनत है उसके लिए आप सबको मैं थैंक्स कहता हूं तो आप सबको ये सारे मेमेंटोस देने से पहले मैं आपको अपनी अप्सरा से मिलवाना चाहता हूं क्या हुआ ये क्या एकदम से किसी अप्सरा से मिलवाने की बात कर रहा है ऐसा आप सोच रहे होंगे लेकिन उनसे मिलवाने के लिए इस मंच से अच्छा कुछ नहीं होगा सो उस अप्सरा से आपको मिलना ही होगा वन सेकेंड क्या हुआ सब लोग इन्हें देखकर कुछ अजीब सा महसूस कर रहे हैं ये क्या ये तो कह रहा था अप्सरा से मिलवाऊंगा लेकिन ये तो बहुत ही विकृत चेहरे से मिलवा रहा है ये विकृत चेहरा ही मेरी अप्सरा है ये मेरी माँ है आज मैं समाज में कामयाबी पाकर इतने ऊंचे स्थान पर हूं उसका श्रेय नहीं जाता है मेरे बचपन में ही पिताजी का निधन हो गया अचानक हमारे घर में एक बड़ी आग लग गई उसमें मुझे बचाने के लिए मेरे शरीर पर जरा सी भी आंच ना आए उसके लिए आग की लपटों को इन्होंने अपने ऊपर ले लिया मेरी माँ ने फिर मुझे पालने पोसने में इन्होंने कितने अपमान निंदाओं को सहा ये सब कुछ सहकर आज आप सबके सामने खड़ा रहने के लायक बनाया जब मैंने खूब सारे पैसे कमाए तो मैंने माँ से कहा कि माँ प्लास्टिक सर्जरी करा के आपके चेहरे को फिर से सुंदर बना सकते हैं लेकिन मेरी माँ ने क्या कहा पता है नहीं बेटे इसी चेहरे के साथ मैंने तुझे पाला मैं अपनी आखिरी सांस तक इसी चेहरे के साथ जीना चाहती हूँ मुझे कोई प्लास्टिक सर्जरी वगैरह नहीं करानी है अब बोलने के लिए कुछ नहीं है अब मेरी माँ मेरी अप्सरा दो शब्द बोलेंगी आप सबको नमस्ते इस मंच से क्या बात करूं मुझे पता नहीं लेकिन मैं एक बात कहती हूं मेरा बेटा जहां भी जाता है इस विकृत चेहरे को जब ये अप्सरा कह के बुलाता है तो मुझे बहुत ही रोना आता है क्योंकि माँ बाप दोनों हर तरह के दुख उठाकर खून पसीना एक करके बड़ा करते हैं लेकिन
जब बूढ़े हो जाते हैं उनका चेहरा देखकर, उनकी कमजोरियों को देखकर उनका निरादर न करें, क्योंकि ये सब ऊपर वाला देखता रहता है। ये क्या, तुम रो क्यों रहे हो? यीशु आप सबको आशीष दे। माँ, पिताजी। ये क्या पिताजी, बिना बताए आ गए? पिताजी, दिस इज सर्वेंट सर, वीकेंड की सफाई करनी है ना सर। ओके, मुझे माफ कर दो, गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आज कौन सा विशेष दिन है आपको पता है? माओं का दिवस, मदर्स डे, पूरे संसार भर में ये मनाया जाता है। एक जमाने में पारिवारिक रिश्ते बहुत अच्छे रहते थे। अभिभावक, बच्चे, माता पिता सब बहुत संतुष्ट रहते थे। उसके बाद लोग ऊंची ऊंची पढ़ाई करने लगे, ऊंची नौकरी, और इसीलिए परिस्थिति बदलने लगी। अलग अलग जाने लगे, अलग से कमाने का कार्य, माँ बाप की देखभाल के लिए टाइम नहीं है, बात करने का टाइम नहीं है, उनसे थोड़ा सा प्यार जताने का भी टाइम नहीं है। उस तरह से लोग बहुत बिजी हो गए हैं और माँ बाप जो हैं वो अकेले पड़ गए हैं। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी क्षति है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि एटलीस्ट एक मदर्स डे रखें तो कम से कम उस दिन माँ को खुश रख पाएंगे, उस दिन बच्चे जाके अपनी माँ से कम मिल पाएंगे, इससे वो खुश हो जाएंगे। ये सोचकर ही मदर्स डे का आविष्कार किया गया। जो रोजाना अपने माँ बाप के साथ बैठते उठते हैं, उन्हें खुश रखते हैं, उनके लिए इस दिन की जरूरत नहीं है। फिर भी माँ का आदर सत्कार करने के लिए ये दिन, आप अपनी माँ का आदर करके उनसे प्यार जता सकते हैं, इससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। तब माँ ने जो हमारी भलाइयां की, उन्हें याद करके, माँ की जो ममता होती है वो अपने बच्चों से किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखती। ये बड़े हो जाएंगे तो हमारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा माँ कभी नहीं सोचती है। मेरा बच्चा अच्छा रहे, बस इतना ही, ऐसा आशीर्वाद दे के चली जाएंगी अंदर से, भले ही उनका मन दुखी हो। माँ की ममता ऐसी होती है। अगर आपकी माँ अभी भी जीवित हैं तो उसके लिए आप प्रभु को धन्य कहें, और अगर उनका निधन हो गया है तो उनसे पाई भलाइयों के लिए परमेश्वर की स्तुति करें कि तुमने मुझे ऐसी माँ दी थी, प्रभु उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। और जो माँ अभी जीवित है उनके बारे में सोच कर देखिए, मुझे ऐसी माँ देने के लिए स्तुति हो बोलकर क्या प्रभु की स्तुति करते हैं? आज मेरी माँ जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुआ। क्यों पता है? क्योंकि मैं आज जीवित हूँ, इसका कारण मेरी माँ है। उनका विश्वास, उनका प्रभु के प्रति प्रेम। जब मैं बीमार होकर मरने की अवस्था में बिस्तर पे था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आज भी मुझे याद है, जब आखिर में एक डॉक्टर के पास गए थे तो हर एक घंटे में 2 गोलियां देनी हैं, ऐसे लिख कर दिया। तब हम चेन्नई में थे, हर एक घंटे में ये दवाइयां देनी होंगी। तो दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में मुझे याद नहीं रहेगा बोलकर मेरी माँ हर एक घंटे के लिए अलार्म रखकर सो जाती। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे उठ उठकर मुझे उठाकर वो गोलियां खिलाती। क्योंकि मैं मरने वाला था, हृदय फूल गया था, चल नहीं पाता था, बस लेटा हुआ था। क्या ऐसे कोई और कर सकता है क्या? सोच कर देखिए, केवल माँ ही कर सकती है, क्योंकि ममता उन्हीं के पास है। मैं मरने वाला हूँ, विश्वास टूट रहा था, उस परिस्थिति में ऐसा क्या करूं जो मेरा बेटा बच जाए? उस माँ का प्यार देखिए। और ऐसे ही यीशु को पुकारने से मेरे बेटे को चंगाई मिलेगी, इस विश्वास से मेरी माँ ने मेरे लिए रोकर प्रार्थना की। मैंने अपने लिए प्रार्थना नहीं की, इसीलिए मैं आज भी जीवित हूँ, ये मैं भूल नहीं सकता। आपकी माँ भी ऐसी ही हैं। जरा सोच कर देखिए, अपनी माँ की ममता का पता चलेगा, आपके लिए जो त्याग किए वो समझ जाएंगे। ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, जैसे ही पत्नी और बच्चे परिवार में आ जाते हैं। माँ के जो भी काम होते हैं उन्हें भूलना नहीं चाहिए, उसी के लिए तो ये दिन बनाया गया। एटलीस्ट आज के दिन तो इस बारे में सोचें, इस प्रकार से इस विशेषता के बारे में बताया गया है। यहाँ देखिए, निर्गमन 20वें अध्याय के 12वें वचन में प्रभु की दी गई 10 आज्ञाएं,
दस आज्ञाएं जो बहुत फेमस है ना, 10 कमांडमेंट्स, इसमें 12वां वचन कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। अभिभावकों का आदर करे माता पिता का, यानी जो आज्ञाएं दी गई हैं उसमें पहली आज्ञा, ऐसा कहा गया है एपीसीओ 6 अध्याय, उसके 2 वचन यदि आप पढ़ेंगे तो वहां इस बारे में बताया गया है, देखिए, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। बाकी 10 आज्ञाएं किसी में भी प्रतिज्ञा नहीं है। परमेश्वर यहोवा की आराधना करो, मूर्ति पूजन ना करो, खून ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ मत बोलना, बस यही दिया है। प्रतिज्ञा के साथ जो आज्ञा है वो यही है, तू बहुत दिन तक जीवित रहे, तेरा भला हो, उसके लिए अपने माता पिता का आदर करना। तो ये ममता और प्यार देखकर आप सोच कर देखें, आपकी माँ की ममता, उनके बलिदान को देखकर उनका आदर कैसे करें, उनसे प्रेम रखते हैं क्या, उन्हें आपने खुश रखा हुआ है, उनके मन को ठेस पहुंचे वैसी कोई बात की हो या कोई काम किया हो, जरा सोच कर देखें। माँ की जब उम्र हो जाती है, वचन कहता है तेरे बुढ़ापे के दिनों में, ज्यादातर लोग उन्हीं दिनों में अपनी माँ को एक बोझ समझने लगते हैं। मैं एक आज से कई साल पहले कन्याकुमारी जिले की एक सभा में गया था। वहाँ हर महीने कोई ना कोई सभा आयोजित की जाती थी। वहाँ की सभा के मुखिया के घर पर ही खाना होता था। हमारी टीम में 15 लोग होते थे। उनके घर में बढ़िया खाना खिलाते और बढ़िया खातिरदारी करते। एक बार खा के हाथ धोने जा रहा था तो मैंने एक रूम देखा। उसमें झांक के देखा तो एक बूढ़ी माँ खाट पर लेटी हुई थी। जब भी मैं किसी बूढ़े इंसान को देखता हूँ तो उनसे बात करने का मन करता है। जैसे मेरी दादी बुढ़ापे के दिनों में वो जैसे हमसे प्रेम करती थी, हमें पालती थी, वो ममता मैं आज तक नहीं भूला। तो जब भी बूढ़े इंसान को देखता हूँ तो पता नहीं मुझे उनसे बात करने की इच्छा होती है। तो वहाँ एक बूढ़ी माँ लेटी हुई थी। जब मैंने झांक कर देखा तो मैंने सोचा कि क्या मैं इनके पास जाऊँ। उन्होंने लेटे लेटे ही मुझे ऐसे देखा। मैं धीरे से उनके पास गया। वो उस सभा के मुखिया की माँ हैं, ये मैं जान गया था। मैंने उनके पास जाके जब पूछा कि कैसी हैं आप, अच्छी हैं ना, वो खाट से उठ नहीं सकती थी। उन्होंने लेटे लेटे ही मुझसे पूछा कि बेटे तुम कौन हो। तो मैंने कहा हम सभा में प्रचार करने के लिए आए हैं। अच्छी बात है, बोलकर बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा। और जब उनसे बात कर रहा था तो मैंने पूछा खाना खाया आप, अच्छी हैं? हाँ अच्छी हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मेरे एक काम के लिए तुम प्रार्थना करो बेटे। मैंने कहा किस काम के लिए करनी है बताओ। प्रभु मुझे जल्दी अपने पास बुला ले, उसके लिए प्रार्थना करो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? प्रभु को पता है समय आने पर बुलाएंगे। आप यहाँ इतने बड़े घर में बेटा है, बहू है, पोते पोतियाँ हैं, ये सब आपकी देखभाल कर रहे हैं ना, आपको तो खुश रहना चाहिए, ऐसा मैंने कहा। तभी उनकी आंखों से आंसू निकले और उन्होंने कहा मेरे कमरे में मुझे देखने कोई नहीं आता है। सभा के लिए बड़ा आदमी है, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, लेकिन मां रोकर कहती है मेरे कमरे में कोई नहीं आता है बेटे, हमेशा नौकरानी आती है, मुझे खाना देकर चली जाती है। उसी घर के एक कमरे में हैं, उसी कमरे से क्रॉस कर जाते हैं। बहुत ही बूढ़ी माँ है, उनके साथ 5 मिनट बात करें, उनसे पूछें कि माँ तुम कैसी हो, अच्छी हो ना, पर बात करने के लिए बेटे के पास वो मन नहीं है। पोते पोतियां हैं, क्या करें, उनका मन पूरी तरह टूट चुका था। उनका हाथ पकड़कर उनसे बात करके उन्हें सांत्वना देकर प्रार्थना करके मैं आया। ऐसे बहुत से परिवार हैं, अपनी बूढ़ी माँ को क्या निरादर के साथ रखा हुआ है। आप कह सकते हैं वक्त वक्त पे खाना देते हैं ना, खाना पानी देने के लिए नौकर भी रखा हुआ है, वो सब ठीक है, पर उनकी आंखें आपको ढूंढेंगी। मैं अपने सेवा कार्य के लिए अमेरिका, कैनेडा, जब ऐसी जगहों पर जाता हूँ तो 1 महीना लग जाता है, बाकी जगहों से 1 हफ्ते में लौट आता हूँ। महीने में कम से कम 1 बार तो अपनी माँ से मैं मिलकर आता हूँ, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कुछ चाहिए माँ, तो कहती तू अच्छे से लौट आया ना, इतने देशों में जाता हूँ, ये लेकर आ, वो लेकर आ, कभी माँ ने नहीं कहा। सब प्रार्थना करते हैं कि मेरी प्रार्थना सभा अच्छे से हो, उसमें चमत्कार हो, पर मेरी माँ क्या प्रार्थना करती है पता है?
हे प्रभु मेरा बेटा सुरक्षित वापस आ जाए, मेरा बेटा सुरक्षित वापस आ जाए प्रभु। यही तो होती है एक माँ की ममता, जो सब लोगों से अलग होती है। अपनी माँ से बात करके देखिए। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे मन में हमेशा यही बात रही कि माँ की उनकी आखिरी सांस तक उन्हें खुश रख पाऊं, वो परमेश्वर के राज्य में होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे प्रिय मित्रों, आपके घर में जो माँ है उनका आदर करते हैं क्या? कई बार घर में जो पत्नी है, आपका पति अपनी माँ का आदर ना करने में आप साथ देती हैं तो आप भी पाप करती हैं, आप पाप करती हैं। मेरे लिए सौभाग्य क्या था पता है, कि मेरी पत्नी मुझसे भी ज्यादा मेरी माँ की देखभाल करती थी और आखिरी दिनों में रोजाना मेरी माँ के बिस्तर के पास बैठती, 4 महीने उनकी सेवा की, देखभाल की। मेरे मन को बहुत संतुष्टि मिली, तृप्त हो गया। आप अपने पति के जो माता पिता हैं उनकी सेवा में, आपके पति जो प्यार दिखाते हैं उसमें आप रुकावट ना डालें, वो आपके लिए आशीर्वाद नहीं होगा। अगर ऐसा है तो तुरंत जाकर आपके कारण उनके मन को ठेस पहुंची है, वो बहुत दुखी हैं, घर के किसी कोने में पड़े हैं। अगर आप उनसे नहीं मिली हैं तो उनसे जाके मिलें, जाकर उनसे क्षमा मांगें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उनसे क्षमा मांग कर जब आशीर्वाद लेंगे तो वही आपके लिए आशीर्वाद होगा, क्योंकि आप अपना आशीर्वाद पूरी तरह खो देंगे। एक बार एक आकर बहुत रोया, मेरा प्रचार सुनकर आंसू बहाकर रोया कि ये क्या ब्रदर, तुमने माँ की देखभाल के बारे में कहा अपने प्रचार में, मैंने अपनी माँ की देखभाल नहीं की, दुख पहुंचाया, दुखी अवस्था में वो मर गई, उनसे क्षमा मांगू पर उसके लिए वो जीवित नहीं है, मैं क्या करूं, बोलकर रोया। समय बीत चुका है, मैंने कहा प्रभु के सामने रोए, माँ की देखभाल नहीं कर पाया बोलकर प्रभु के सामने रोए। मेरे प्रिय मित्रों, आपकी माता आपके पिता जीवित है ना, आप उनका आदर करें, उन्हें दुख मत पहुंचाना, उनका एहसान मान कर रहो। मेरे लिए क्या किया ऐसा कुछ ना कहें, बहन के लिए किया, भाई के लिए किया, लेकिन मुझे छोड़ दिया, ऐसा ना सोचें। उनके मन में ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई परिस्थिति रही होगी, लेकिन आपको परमेश्वर ने एक माँ दी है, उसके लिए प्रभु को धन्य कहें। आप आज ही उनके पास जाकर उनसे मिलकर आदर के साथ बात करें और उन्हें प्रसन्नता दें, इससे आपका भला होगा, बहुत दिन तक आप जीवित रहेंगे। कुछ भलाइयों में रुकावटें आई हैं ना, नौकरी में, प्रमोशन में रुकावट, बिजनेस में रुकावट, आपके बच्चों के विवाह के कार्य में रुकावट, कुछ भलाइयां नहीं हो पा रही हैं ना, सोचिए वचन कहता है तेरा भला होगा, तू बहुत दिनों तक जीवित रहेगा, अपने माता पिता का आदर कर। बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए डॉक्टर आपकी आयु नहीं बढ़ा सकता है, विदेशी डॉक्टरों के इलाज करने पर भी कई राजनेताओं को नहीं बचा पाए, इसलिए ये प्रभु की कृपा है, उनके वचन। इसलिए आज उनका आदर करते हुए अच्छे माता पिता देने के लिए प्रभु स्तुति हो, ऐसा कहें। कभी कभार वो गुस्सा हो जाते हैं या पक्षपात भी किया होगा, लेकिन आप ये सब भूल के उन्हें क्षमा करके उनसे प्रेम करें, चाहे कुछ भी हो उन पर आरोप लगाए बिना क्षमा करके उनसे प्रेम करें। इस बुढ़ापे में उन्हें संतुष्ट रखने के लिए आप स्वयं को समर्पित करने का प्रयत्न करें, आपका जीवन अच्छा रहेगा, आशीर्वादित रहेगा, प्रभु ये देखकर आपका भला करेंगे, आप बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे। ठीक है, आज ही आप जाकर अपनी माँ से मिलें, उनसे बात करें, उन्हें प्रसन्नता दें। अब हम प्रार्थना करें, प्रभु को देखकर प्रार्थना करें। परमपिता, हमें बहुत अच्छे माता पिता देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो प्रभु, हमें जन्म देकर पाल पोसकर बड़ा करने वाली माँ की याद में एक विशेष दिन बनाने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो। पिता, जो भी इस दिन दुखी होकर कह रहा है कि मैंने अपनी माँ को दुख पहुँचाया, मैंने अपनी माँ के मन को चोट पहुँचाई, पिता का आदर नहीं किया, उनके मन को ठेस पहुँचाई, प्रभु मुझे क्षमा कर दो बोलकर जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उन पर दया करो प्रभु। अपनी पत्नी के कारण प्रभु अपने माता पिता को दुख पहुंचाया, उनकी देखभाल नहीं कर पाया, दया करके मुझे क्षमा कर दो प्रभु। को सब कुछ बता के प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्षमा करके, इन पे दया करके, ये माता पिता से प्रेम करें, उनका आदर करें,
प्रभु ये उन्हें प्रसन्न रख पाए वैसे बच्चे बनने के लिए तुम इन्हें आशीर्वाद दो। तुम वचन अनुसार भला करने और आयु बढ़ाने वाले परमेश्वर हो। प्रभु माँ का आदर करने पर, माता पिता को प्रसन्न रखने पर तुम हमारा भला करते हो, बहुत दिनों तक जीवित रखते हो, उसके लिए तुम्हारी स्तुति करते हैं। वचन अनुसार आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। हर परिवार में हर एक सदस्य को आशीर्वाद प्रदान करो। भलाइयों में जो रुकावट है दूर करो, रुकावटें दूर हो, इनका भला हो, सफलता मिले यीशु के नाम से। आशीष देने के लिए स्तुति हो। प्रभु अपनी माँ के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी अपनी माँ के लिए आशीर्वाद पाकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना सुनकर उनकी माँ को अच्छी चंगाई देना, बल देना, वो संतुष्ट रहें वैसी उन पर कृपा करो। प्रभु तुम्हारे राज्य में पहुँचने तक प्रसन्न रहें वैसे इन्हें आशीर्वाद दो। इनके मन में जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वो सब दूर कर दो। इन्हें आशीष देकर चलाने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी, आशीर्वाद भी दे दिया। आपकी माँ यदि आपके साथ रह रही हैं तो ये खुशी की बात है। आज के दिन विशेष रूप से अपना प्रेम बाहर प्रकट करें। यदि आप दूर हैं तो उनसे बात करें। उनसे मन मुटाव के कारण यदि आप दूर चले गए हैं तो क्षमा मांग कर मेल मिलाप करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तब आपका हर कार्य सफल होगा, रुकावटें दूर होंगी, आप बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे। यीशु आपको ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalu Mavadi, Duty Corin District, 628-211. Our phone number 04639-220022. info@jesusredeems.org. God bless you.